हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक का एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस वीडियो पे लाइक एंड व्यूज भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इस वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन दोनों इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आज की वीडियो में हम यही आप लोगों को बताएंगे, स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने दो वीडियो शूट कर रखा इस तरह के, तो आपको भी इस तरह के वीडियो शूट कर लेना है नॉर्मल। यदि आप शूट करने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो को हमने दो पार्ट में शूट कर रखे हैं, तो आपको भी वीडियो को दो पार्ट में शूट कर लेना है। फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से किया गया है, और सेकेंड वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है। आपको सेकेंड वीडियो जब भी शूट करना है तो पाउडर होता है जो हाथ में आपको ले लेना है। जैसे ही हाथ ऊपर की तरफ करते हो तो उस टाइम आपको पाउडर को नीचे की तरफ गिरा देना है। जो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। क्योंकि हमारा यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट साइड का पार्ट जो कुछ एक्स्ट्रा था, तो एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है। फर्स्ट वाला वीडियो कुछ इस तरह से आपको शूट किया गया है, तो आपको भी शूट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, जैसे हम दोनों हाथ एक एक जगह पर टच करता हूँ, उसमें भी इस पोजिशन में आना है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमारा कुछ इस तरह से एडिट हो गया। सेकेंड पार्ट का वीडियो को आपको स्टार्ट करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको टच जैसे ही करते हैं, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आपको आगे की तरफ लेकर आना है। आपको जितने भी स्लो मोशन चाहिए तो स्लो मोशन तक कर देना है। तो सिंपल मैं यहीं तक का सीन हमें चाहिए। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। हमारा वीडियो जो है हमारा 14 सेकेंड के आसपास हो चुका है। वीडियो पर क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल पर आना है, यहाँ पर आपको 0.5 कर देना है। वीडियो आपको यहाँ पे स्लो मो कर देना है। सिंपल मैं सबसे पहले मैं वीडियो में जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ। इसके बाद एक बार वीडियो में आपको प्ले कर दिखाता हूँ। वीडियो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में। इसके बाद आपको फास्ट मोशन भी डालना है, तो फास्ट मोशन भी आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं फिर से थोड़ा स्पीड कर देता हूँ। इसके बाद वीडियो को आपको क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। फिर से हमें इस पर क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल पे आना है, यहाँ पे हमें 0.5 कर देना है। फिर से हमें स्लो मोशन कर देता हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, स्पीड टू प्ले हिट करना है, फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। आपको इसे हमें फास्ट मोशन में लाना है, तो सिंपल से हमें नॉर्मल कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया था। तो यहाँ पे लग रहा है जैसे कि मैच नहीं हो रहा था। सिंपल आपको काफ़ी ध्यान से आपका एडिट करना होगा, ठीक है। वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। तो इस तरह से वीडियो में आपको कर देना, आपको इफेक्ट ऐड करना है। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इफेक्ट ऐड करना है। तो सिंपल आपको करना क्या है, इस वीडियो के सामने आ जाना है, इसका लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, आपको इस लिंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है, सिंपल इसे ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पर आपको मल्टीप्ले कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको करना क्या है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो के लिंक दे रखे हूँ, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, कैचिंग के निशान पे क्लिक करना है, स्ट्रैक आइडिया कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडिया होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पर क्लिक करना है, डिलीट करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और इस वीडियो को आपको टिकटॉक के साउंड पर ही अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।